नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे के लिए ये खूबसूरत सा जूता बनाएंगे जो 6 महीने से लेके साल भर के बच्चे के पैर में आराम से फिट हो जाएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 46 स्टिचेस डाले हैं और 10 लाइन सीधी सीधी बुना है, यानी आगे से भी सभी फंदे सीधे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे, जिससे 5 उल्टे फंदों की 5 धारियां आ गई हैं, आगे से भी और पीछे से भी। और अब 11वें लाइन में हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा पहले रंग से, ये एक फंदा दूसरे रंग से, फिर एक फंदा पहले रंग से उल्टा, फिर इसको पलट के फिर दूसरे रंग से उल्टा बुनेंगे, फिर पहले रंग से। इस तरह ऊन बदलते हुए एक फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा और दूसरा फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा, ऊन बदलते हुए प्रत्येक फंदे बुनेंगे। एक फंदा एक रंग के ऊन से उल्टा और दूसरा फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनते हुए, देखिए रंग बदलते हुए 11वीं लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब ये 12वीं लाइन है और इसमें जो फंदा जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया था, वही फंदा उसी रंग के ऊन से सीधा बुना जाएगा। ऐसे ऊन बदलते हुए जो फंदा जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया था, अब 12वीं लाइन में वो फंदा उसी रंग के ऊन से सीधा बुना जाएगा। ऐसा करने से देखिए एक चोटी की तरह बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 11वीं लाइन में जो फंदा जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया था, 12वीं लाइन में वही फंदा उसी रंग के ऊन से सीधा बुना गया, जिससे चोटी की तरह बन गया है। 13वीं लाइन और सामने से अब दूसरे रंग के ऊन से 17 फंदा सीधा बुन लिया जाएगा। 1, 2, 3। 17 फंदा सीधा बुनने के बाद 3 फंदों को एक करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और फिर तीसरे वाले फंदे में, और इन तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, यानी 3 का 1 कर लिया। फिर 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदे सीधे। फिर 3 फंदों को एक करेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और लास्ट में तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। हमने 2 जगह 3 3 फंदे बनाए हैं, बीच में 6 फंदे का गैप रखा है और लास्ट में अब बाकी सारे फंदे सीधे बना लेंगे। 14वीं लाइन और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पंद्रहवीं लाइन में 16 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और फिर तीसरे वाले फंदे में। तीनों को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लिया। यहीं पे पिछली बार हमने जहाँ बनाया था इसी के ऊपर हमें बनाना है, और अब 4 फंदा सीधा बनाएंगे।
और फिर तीन फंदों को हमें एक करना है। पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और अंत में तीसरे वाले फंदे में, और तीनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। तीन का एक कर लिया, ये दो जगह हमने फंदे, दो दो फंदे दो जगह घटे हुए हैं, और लास्ट के 16 फंदे सीधे बुन लेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। सत्रहवीं लाइन और सामने से 15 फंदे सीधे बुन लेंगे। और यहाँ पे हमने तीन फंदों को एक किया था, तो हमको यहाँ पे फिर तीन फंदों को एक करना है। हर सीधी लाइन में यहाँ पे दो फंदे घट रहे हैं, एक देखिए सीधी लाइन बनती चली जा रही है। फिर अब हम यहाँ पे दो फंदे सीधे बुनेंगे, घटाने के बाद दो फंदा सीधा। फिर अगले तीन फंदे का हमें एक करना है, पहले दूसरी वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और तीसरी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए तीन का एक कर देंगे। और शेष सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। उन्नीसवीं लाइन और सामने से 14 फंदे सीधे बुन लेंगे। चौदह फंदा सीधा बुनने के बाद अगले तीन फंदों को हमें एक करना है, पहले दूसरे वाले फंदे में, फिर पहले वाले फंदे में और अंत में तीसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। तीन का एक कर लिया। फिर अगले तीन फंदों को भी हमें एक करना है, तो अब दोनों यहाँ पे जो घटने वाले फंदे थे दोनों पास आ गए हैं और बीच के 6 फंदे घट गए हैं और शेष सभी फंदा सीधा बुन लेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। इक्कीसवीं लाइन और सामने से अब 21वीं लाइन 11वीं लाइन की तरह बनेगा, यानी कि एक फंदा एक रंग के ऊन से उल्टा और फिर अगला फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। इस तरह रंगों का ऊन को बदलते हुए अल्टरनेट हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा एक रंग के ऊन से उल्टा और अगला फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा, ऊन को बदलते जाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनते चले जाएंगे। पीछे से 12वीं लाइन की तरह जो जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया था अब उसी रंग के ऊन से सीधा बुना जाएगा। ऊन बदलते हुए जो जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया था अब उसी रंग के ऊन से सीधा बुना जाएगा। 23वीं लाइन और सामने से अब हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे, दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और 24वीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पच
25वीं और 26वीं लाइन में हमने जो ये चेन बनाया है ऐसे ही हमको बनना है, यानी कि एक एक फंदे को बुनते जाएंगे और ऊन बदलते जाएंगे, ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे और ऊन बदलते जाएंगे। छब्बीसवीं लाइन में जो फंदा जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया है, 25वीं लाइन में जो फंदा जिस रंग के ऊन से उल्टा बुना गया है, 26वीं लाइन में वो फंदा उसी रंग के ऊन से सीधा बुन लिया जाएगा। ऊन बदलते जाएंगे और फंदों को सीधा बुनते चले जाएंगे। सत्ताईसवीं लाइन और सामने से अब दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुनते जाएंगे और क्लोज करते जाएंगे। दो फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। यह हमारा आखिरी लाइन है, दो फंदा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद हो चुके हैं और ये छोटा सा प्यारा सा जूता बनके तैयार है। और अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है, तो इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई करनी है और नीचे की तरफ सिलाई करनी है, तो हम इसको सिल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हो चुकी है और अब हम इसे पलट लेंगे। और ये जूता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा जूता। अगर आपको मेरा बताया हुआ जूता अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने बच्चों के लिए बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।